होनगाजवळील मार्कंडेय नदी परिसरात विविध देवी देवतांचे फोटो, निर्माल्य, वैद्यकीय कचरा, प्लास्टिक बाटल्या तसेच इतर कचरा व जादूटोणा करण्यासाठी वापरण्यात येणारे नारळ, लिंबू आदी वस्तू नदीपात्रात टाकल्यामुळे नदीपात्राला गटाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे। त्याचप्रमाणे जवळच असलेल्या वाहन सर्व्हिसिंग सेंटरचे साबण मिश्रित पाणी देखील नदीपात्रात सोडल्यामुळे नदीचे पाणी दूषित बनत आहे। या कचऱ्यामुळे नदीचे पाणी अशुद्ध बनत चालले आहे। पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांनी नदीपात्राची स्वच्छता करून घेणे गरजेचे आहे, अशी मागणी परिसरातील शेतकरी करत आहेत। यावेळी फेसबुक फ्रेंड सर्कलचे संतोष दरेकर यांनी माहिती दिली। हेलो, मैं संतोष हूँ फेसबुक फ्रेंड सर्कल से। अभी हम लोग ओमका के ब्रिज के ऊपर है और यहाँ पे रिवर फ्लो होता है ब्रिज के नीचे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी गंदगी है। यहाँ पे वो दारू के जो बॉटल्स है, पैकेट्स है, उसके बाद भगवान के जितने भी फोटो इधर ला के रखे हुए हैं और उसके बाद रिवर के अंदर भी नारियल पड़ा हुआ है और ऑयल का ये सामान और उसके बाद जो मुर्गी का फेदर्स रहता है वो सभी इधर ला के फेंका हुआ है। यहाँ पे पूरा गंदा स्मेल आता है। आप ये चैनल में आप देख सकते हैं और थैंक्स टू CNN सिटी न्यूज़ चैनल जो हमारे एक ही बुलावे पे इधर आके ये पूरा न्यूज़ कवर कर रहे हैं। थैंक यू सर। विनोद कोलकार, कन्नड अम्बा न्यूज़ नेटवर्क, बेळगाव।